हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। बात करते हैं आज की रेमेडी की, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को इंस्टेंटली फेयर बना देगी। इंस्टेंटली फेयर का मतलब है वो आपकी स्किन से सन टैन को पूरी तरीके से रिमूव कर देगी। जो भी आपके स्किन पे इवन टोन हो रखा है, कहीं से कलर व्हाइट है, कहीं से डार्क है, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको भी ये क्लियर कर देगी और बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन को फेयर एंड ब्राइट बना देगी। ज्यादा इफेक्टिव है तो इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा और एक वीडियो देख के बस कुछ मत हो जाइएगा। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा क्योंकि ये रेमेडी मैं वाकई आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और 100% नेचुरल है। फिर भी मैं बोलती हूँ कोई भी रेमेडी ट्राई करने से पहले एक बार फेस टेस्ट यहाँ पर लगा के जरूर कर लिया कीजिए, अपने कान के पास यानी कि इस साइड लगा के जरूर कर लिया कीजिए कि वो रेमेडी थोड़ा आपको इचिंग वगैरह तो नहीं कर रही है। अगर इचिंग वगैरह करे तो उसको मत लगाइए उस रेमेडी को, लेकिन ये रेमेडी में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी रेमेडी आप लगाने से पहले फेस टेस्ट जरूर किया कीजिए, चाहे कितना भी हो नेचुरल हो। तो अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आपको कोई रेमेडी सूट नहीं करती और आपने उसको अपने फेस पे अप्लाई भी कर लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपके घर में जो भी पतंजलि का एलोवेरा जेल हो, बस उसको आप अपने फेस को अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए ठंडे पानी से, और उस पतंजलि के एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अच्छा सा एक, जैसे हम लेप लगाते हैं ना, जैसे आप कोई फेस मास्क लगाते हैं, तो अच्छी सी मोटी सी लेयर उस पर लगा के उसको छोड़ दीजिए 5-10 मिनट के लिए, आराम से छोड़ दीजिए। आपके स्किन पे जितने भी वो जो रैशेस हो जाते हैं, किसी के रेड रेड रैशेस हो जाते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो गई होगी, पूरी देखेंगे 10 से 15 मिनट में आराम से क्लीन हो जाएगी, सही हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ऐसा हमेशा कीजिएगा जब भी आपको कोई होम रेमेडी, वैसे तो होम रेमेडी नेचुरल होती है इस बात को मैं मानती हूँ, लेकिन अगर आपको किसी चीज से होता है, बहुत से लोगों को कि उनको एलर्जी होती है किसी चीजों से और उनको पता नहीं होता है कि इस चीज से हमको एलर्जी है, इसकी जो रेमेडी है ना गाइस इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि कहीं भी पार्टी में जाने से पहले अगर आपकी स्किन आपको बहुत ज्यादा डल लग रही है, बहुत ही ज्यादा आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में जान नहीं है, बेजान हो रखी है, तो अगर आप इस रेमेडी को लगा लेंगे, ये जो रेसिपी है इसको अगर आप अपने फेस पर ट्राई कर लेंगे, तो इतना ज्यादा ग्लोइंग आपकी स्किन हो जाएगी कि बस ऐसा लगेगा कि आपने कोई बहुत ही महंगा वाला पार्लर से फेशियल कराया हुआ है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं और हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए गाइस हम अपना फेस पैक बनाना स्टार्ट करते हैं, और इस फेस पैक को बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए 2 चम्मच चावल का आटा। मुझे पता है आप लोग ज़रूर पूछेंगे तो दीदी चावल का आटा कैसे मिलेगा, तो जो आपके घर पे जो भी चावल है उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, आपको चावल का आटा मिल जाएगा। और इसमें मैं 1 चम्मच शहद ले रही हूँ, शहद मेरे यहाँ प्योर है। अगर आपके यहाँ प्योर शहद नहीं है तो आप डाबर हनी का शहद ले लीजिए या फिर जो भी ब्रांड का आपके पास शहद है वो यूज़ कर सकते हैं, डाबर हनी का मुझे अच्छा लगता है। और इसमें मैंने टमाटर इस तरीके से कट करके, जिस तरीके से मैंने टमाटर को कट करके उसका बस रसी रस हम ले रहे हैं, वो उसी तरीके से आपको भी केवल इसमें रस ही लेना है, उसके छिलके विलके से कोई मतलब नहीं है। तो बस इस तरीके से 1 चम्मच टमाटर का रस हमको मिल जाएगा, और टमाटर काफ़ी छोटा सा, और ये अच्छा सा हमको एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। और इसमें जितना हमको पानी चाहिए उतना पानी ऐड कर देंगे, एक स्मूथ सा पेस्ट हमको चाहिए तो उसमें हम उसके लिए थोड़ा सा हमको पानी ऐड करना होगा इसमें। सो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। और अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता है तो आप इसमें 2-4 बूंदें नींबू की ऐड कर सकते हैं, बट मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मुझे नींबू बिल्कुल सूट नहीं करता है, तो मैं इसमें नींबू ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको सूट करता है तो बिल्कुल 2-4 बूंदें इसमें नींबू की ऐड कर सकते हैं आप। कोई भी फेस पैक लगाने से पहले तो सबसे पहले तो आपको अपने फेस को, जो भी नॉर्मल आप फेस वॉश यूज़ करते हैं उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना चाहिए, और फेस पैक को हमेशा आपको लोअर से अपर की तरफ ले जाना होता है, इसी डायरेक्शन में लगाना होता है। और ये मक्खी को शहद की खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है, इसमें मैंने प्योर शहद डाला है और ये मक्खी परेशान। हमने इस फेस पैक में शहद ऐड किया, शहद हमारी स्किन को हाइड्रेट करती है, साथ साथ इसमें एंटी माइक्रोबियल गुड़ होते हैं जो हमारे स्किन पे होने वाले फोड़े फुंसी कील मुहासों से निजात दिलाती है। इस फेस पैक में हमने टमाटर ऐड किया है, तो टमाटर हमारी स्किन को ब्राइट करता है, कलर कॉम्प्लेक्शन को फेयर करता है, और आपके स्किन पे जितने भी सन टैन हैं, दाग धब्बे, पिंपल्स के निशान हैं, वो सारे के सारे वो पूरी तरीके से क्लीन करता है और आपकी स्किन को एक पिंक ग्लोइंग स्किन बनाता है। और टमाटर को सन टैन रिमूव करने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स में से माना जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है चावल का आटा। सो चावल के आटे में बहुत ही ज़्यादा गुड प्रॉपर्टीज़ होती है,
एंड ये आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को एकदम से ब्राइट कर देता है, इतना ब्राइट कर देता है कि आपको कभी पार्लर में जाने की या फेशियल कराने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और इस फेस पैक को हमको तब तक लगा कर रखना है जब तक हमारा फेस 80% तक ड्राई ना हो जाए, यानी कि 10 से 15 मिनट। एंड कुछ लोग पूछने लगते हैं कि क्या ये फेस पैक हम बच्चों को लगा सकते हैं, तो जी नहीं, आप ये फेस पैक बच्चों को बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। अगर आपकी आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी उम्र 14 साल है, 15 साल है, तो आप उन्हें लगा सकते हैं, इससे कम एज के बच्चों को आप मत लगाइएगा फेस पैक। ये 10 मिनट अब मुझे उसे स्कूल लेने जाना होता है, तो मैं थोड़ी सी फेस वॉश कर लेती हूँ, आपको तो दिखाती हूँ इसका इंस्टेंटली रिजल्ट कितना अच्छा होता है। और अब मैंने अपने चेहरे को अच्छी तरीके से नॉर्मल पानी से साफ कर लिया है। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि जब भी कोई फेस पैक लगाएं तो उसके बाद जब चेहरा साफ करें तो नॉर्मल पानी से ही साफ करें, साबुन या फेस वॉश का यूज़ ना किया करें उसमें। तो आप बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट देख ही सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। अब देख सकते हैं, मैं बहुत टाइम हो गया मुझे फेशियल कराए हुए, मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैंने कब लास्ट टाइम फेशियल कराया था। तो ऐसा होता है कि जब आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप फेशियल भी नहीं करा पाते, इंस्टेंटली आपको कहीं जाना हो, अर्जेंटली कहीं जाना हो जाए, तो उस वजह से ना अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो रही है, बिल्कुल बेजार हो रखी है, तो आप इस रेमेडी को बिल्कुल जरूर ट्राई कीजिएगा। और वैसे भी आप इसे हफ्ते में एक बार ट्राई करेंगे तो आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे कील हो हाँसी की और आपके जितने भी सन टैन है, धूप की वजह से आपकी स्किन काली हो चुकी है, कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज्यादा डार्क हो चुका है, तो धीरे धीरे करके वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।